हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए आज हमारे पास एक ओप्पो का मोबाइल आया है। ओप्पो A3 है ये। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इसको अगर ऑन करते हैं, जैसे ऑन वाले बटन दबाएंगे अपन, तो ये ऑटोमेटिक रीसेट मोड पे पहुंच जाता है। तो मैं जो है इसको सही करके बताने वाला हूँ आज आपको। पहले तो सबसे पहले दिखा देता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये ऑन करते हैं सबसे पहले हम इसको, ठीक है। ये हमने ऑन वाले बटन दबाई, ये ऑन हुआ। अब ये डायरेक्ट रीसेट मोड पे जाके रुक रहा है। तो वो क्यों रुक रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या कुछ करना पड़ेगा, सारा आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है। एक एक पॉइंट हम जो है आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए ये देखिए, ठीक है। ये यहाँ पर आ रहा है, ये रीसेट मोड पर जा रहा है बार बार। तो ये क्यों जा रहा है, क्या प्रॉब्लम है, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, ये हम इसको ऑफ कर लेते हैं। ये हमारा नीचे वाला की काम नहीं कर रहा है, या हो सकता है ये परमानेंट दबा हुआ हो, इस वजह से ये रीसेट मोड पे बार बार पहुंच रहा है। तो हम आज इसकी ये वाली की चेंज करने वाले हैं, ठीक है। इसको ऑफ कर देते हैं पहले, तो ये हो गया, ठीक है। फटाफट इसको खोल लेते हैं, सिम ट्रे निकाल लेते हैं सबसे पहले। ये सिम ट्रे बाहर आ गई, ये पैनल को खोल लेना है। बहुत ही बढ़िया, आसानी से ये पैनल खुल जाएगा। ये यहाँ के सारे स्क्रू खोल लेना है हमें। ये देखिए, ये वाले बटन जो नीचे वाली है, देख सकते हैं आप, थोड़ा सा ज़ूम करके दिखा देते हैं। ये बटन चेंज करना है नीचे वाले, ठीक है। तो इसको हम पूरा ओपन नहीं करते हैं, यहीं से भी बढ़िया आसानी से इसको यहीं से ही चेंज कर देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इसको पहले, सबसे पहले अलग कर लेते हैं यहाँ से। हमारी की अलग हो चुकी है यहाँ से, ठीक है। तो हमें चेंज करना है, दूसरी लगाते हैं इसके अंदर। ये देखिए, हमारे पास की है ये वाली, ठीक है। वाली की लगाना पड़ेगी हमें, दो पिन वाली की है ये। तो फ्रेंड, हम यहाँ पे बटन तो जो है इसमें लगाने वाले हैं अभी, ठीक है। लेकिन बटन इस पे काम नहीं करेगी, सेम प्रॉब्लम आएगी। वो क्यों आएगी सेम प्रॉब्लम, ये देखिए यहाँ पे, ये जो चार पॉइंट देते हैं, इस तरफ भी चार दो पॉइंट है, इस तरफ भी दो पॉइंट है, पर यहाँ का एक जो है ट्रैक उखड़ चुका है, एक है। तो ये जो दो पॉइंट है, इसके बीच में से ये यहाँ पे जो ट्रैक आई है, इसके बीच में से होती हुई आई है। तो ये भी क्या है कि यहाँ से ख़राब हो चुकी है, देख सकते हैं आप। तो ये क्या ओपन हो चुकी, जो यहाँ पर ट्रैक है वो ओपन हो चुकी। तो हम इसको रिसोल्व करते हैं, तो ये और ये दोनों ट्रैक शॉर्ट हो जाते हैं। अगर आपके पास इस टाइप का कोई भी जो है केस आता है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, इसका क्या सॉल्यूशन है। वैसे तो बहुत ही आसान है कि ये पूरा पत्ता यहाँ से चेंज कर दो तो भी काम हो जाता है। लेकिन हमें पत्ता चेंज नहीं करना है, इसको रिपेयरिंग करना है, ठीक है। इसी पत्ते में हमें बटन जो है चालू करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए इस वीडियो को पूरा, ठीक है। इसमें बताने वाला हूँ आपको मैं सारी कुछ, सारा कुछ क्या कुछ करूँगा जो भी।
ये देखिए बोला हमने क्या नजर आ करा रहा है है ही कि नहीं आपको। ये यहाँ पे जो है हमने इसको ठीक है स्ट्रेक को निकाल लिया है यहाँ पे और रिसोल्ड कर लिया है। और अब हम यहाँ पे टेप लगाने वाले हैं, ठीक है यहाँ पे टेप लगाने वाले हैं, ये वाला पॉइंट ओपन रखेंगे। ये देखिए ये हमने यहाँ पे टेपिंग कर दी है। ठीक है जो अब हम ग्रामीण क्या पे करेंगे कि अच्छी ये आवाज है वाला ग्रामीण पे रिसोल्ड आवाज करेंगे बस। है। ये देखिए हमने यहाँ पे बटन लगा दिए इसके अंदर, ठीक है जो नीचे वाली जो ट्रैक थी सिर्फ वहाँ पे रिसोल्ड करा है इसको, और यहाँ पे तो हमने इसके नीचे टेप रख दिया है ताकि ये जो बटन ऊपर वाली है ये नीचे टच ना हो। ठीक है तो यहाँ से फिर एक जम्पर उठा के हमने यहाँ लगा दिया, बस इतना ही करा है। और अब इसको देख लेते हैं ठीक है ये काम कर रही है या नहीं कर रही है हमारी बटन। पहले पहले फ़ोन को ऑन करते हैं, ये फ़ोन ऑन हो गया है हमारा, अभी देखते हैं पूरा आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, बटन काम कर रही है या नहीं। ये देखिए हमारा मोबाइल पूरा कंप्लीट ऑन हो चुका है। ठीक है अब चेक कर लेते हैं हमारी जो है बटन काम कर रही है नहीं कर रही है। ये आवाज़ बड़ा बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, ठीक है देख सकते हैं ये। तो ये हमारा मिशन सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है बढ़िया तरीके से काम कर रही है बटन। अब इसको फटाफट क्या करना है हमें पैक कर देना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, इतना ही कुछ करना, इतना ही करना होता है इसके अंदर। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, ठीक है ये हमारा फ़ोन कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।